हाय दोस्तों, कैसे हैं? मैं घनश्याम तोमर आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टेट ट्रिक में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों के लिए डीजल मैकेनिक के जो इम्पोर्टेड एमसीक्यू हैं, वो जो एनसीवीटी डीजीटी के जो सिलेबस पर बेस्ड हैं, वह उनके प्रीवियस ईयर के जो पेपर से संबंधित क्वेश्चन हैं, मैं उन सभी क्वेश्चनों को आपको समक्ष लेके आया हूँ। और ये सभी क्वेश्चन हिंदी लैंग्वेज पर बेस्ड हैं, हिंदी लैंग्वेज पर हैं। और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए अलग से वीडियो बनाकर उसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप लोग जैसे ही ये वीडियो अपलोड होती है, उसके कुछ मिनटों बाद मैं इंग्लिश वालों के स्टूडेंटों के लिए भी वीडियो बनाकर अपलोड कर लूँगा। और एक चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो लोग मेरे चैनल में पहली बार आए हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। और एक बात और, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पेज का लिंक दे कर रखा हूँ, तो आप लोग वहाँ से जाकर मेरे को ज्वाइन कर लीजिए और फॉलो कर लीजिए। मैं आप लोगों को वहाँ पर स्टडी मटेरियल पीडीएफ में अवेलेबल करवा दूंगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए हम शुरू करते हैं डीजल मैकेनिक के इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं डीजीटी के निमि पैटर्न पर आधारित। तो चलिए देखते हैं वो कौन से क्वेश्चन हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं क्वेश्चनों के होम स्क्रीन पर आ चुका हूँ। इससे पहले कि मैं अगली वीडियो पर, मैंने हिंदी वाली जो वीडियो है, मैंने 65 तक के क्वेश्चनों को सॉल्व करवा लिया था। अब मैं यहाँ से 66 क्वेश्चनों से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आप लोग वीडियो वो जो पुरानी है तो उसको देख लीजिएगा, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूँगा। और मैं अपने फेसबुक पेज की लिंक भी दे रहा हूँ और व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक दे रहा हूँ, तो आप लोग वहाँ से मेरे को ज्वाइन करके स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चनों को। सी कलम का प्रयोग किस लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन है टेढ़े मेढ़े जॉब को पकड़ने के लिए, दूसरा है गोलाकार टेपर जॉब को पकड़ने के लिए, तीसरा है वर्गाकार जॉब को पकड़ने के लिए, चौथा है एवापी दोनों के लिए। तो जो सी क्लैंप होता है उसका प्रयोग किया जाता है टेढ़े मेढ़े जॉब को पकड़ने के लिए और गोलाकार जॉब को पकड़ने के लिए किया जाता है। तो दोनों के लिए किया जा रहा है, तो एवापी दोनों अपना सही होगा। तो आंसर नंबर क्या आ जाएगा इसका? डी आ जाएगा, एवापी दोनों। ठीक है, ये दोनों जॉब को पकड़ने के लिए उपयोग किया जाता है सी क्लेम। तो आंसर नंबर क्या आ जाएगा इसका? डी नंबर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डायल प्रकार के टॉर्क रेंच में डैश डैश डायल पैमाना होता है। डायल प्रकार का जो टॉर्क रेंच होता है उस पर डायल पैमाना कैसा होता है? वृत्ताकार, वर्गाकार, आयताकार। तो इस पर जो डायल पैमाना होता है, डायल का आकार होता है, वह कैसा होता है? सर्कुलर होता है। ए नंबर आ जाएगा इसका, सर्कुलर होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्पादकों की असेंबली के लिए प्रयुक्त टूल कौन सा होता है? उत्पादकों की असेंबली के लिए कौन सा टूल प्रयुक्त होता है? पल्स, टॉर्क रेंच, एयर इम्पैक्ट रेंच, और डी नंबर है, ए व बी दोनों होते हैं। आंसर नंबर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा इसका, डी नंबर। पल्स और टॉर्क रेंच दोनों प्रयोग किए जाते हैं। 68 का डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, टॉर्क रेंच के द्वारा टर्निंग प्रभाव के लिए डैश डैश का मापन किया जाता है। टॉर्क रेंज के द्वारा टर्निंग प्रभाव के लिए डैश डैश का मापन किया जाता है। तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा? प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। अगला क्वेश्चन है, पाइप रेंच रेंज की पारस क्या होती है? पाइप रेंच की रेंज क्या होती है पूछा है इस पे। तो नहीं, कांस्टेंट होती है। पहला ऑप्शन क्या दिया है? कांस्टेंट होती है। दूसरा ऑप्शन दिया है परिवर्तनशील, मतलब चेंजेबल होती है। और तीसरा ऑप्शन है 5 सेंटीमीटर से कम होती है। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त समय को से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन जो होता है पाइप रेंच की, जो रेंज होती है, रेंज मतलब होता है पारस हिंदी में, और इंग्लिश पे पारस को रेंज बोलते हैं। तो परिवर्तनशील होती है उसकी रेंज, बी नंबर। 67 डी का बी नंबर, चेंजेबल होती है। अगला क्वेश्चन है, गोल अथवा खोखले जॉब पर निशान अंकित करने के लिए किस औजार का प्रयोग किया जाता है? गोल और खोखले जॉब पर मार्किंग करने के लिए, निशान मतलब मार्किंग करने के लिए किस औजार का प्रयोग किया जाता है? तो कैलीपर का प्रयोग किया जाता है। खोखला जॉब है उस पर निशान अंकित करेंगे तो कौन सा प्रयोग करेंगे? कैलीपर का प्रयोग करेंगे, नंबर ए, कैलीपर का प्रयोग करेंगे। सेवेंटी टू, यहाँ पर 72 नंबर क्वेश्चन है,
स्पैनर का प्रयोग किया जाता है। स्पैनर का प्रयोग इसलिए किया जाता है मशीन को खोलने के लिए, मशीन को कसने के लिए, मशीन के रखरखाव के लिए, इन सभी के लिए स्पैनर का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर नंबर डी आ जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, स्पैनर किस पदार्थ का बना होता है? स्पैनर किस पदार्थ का बना होता है? डी फोर्ज स्टील का बना होता है स्पैनर, नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, सॉकेट का आकार किसके समान होता है? सॉकेट का आकार किसके समान होता है? खोखला सिलेंडर, बी नंबर ठोस सिलेंडर, तीसरा है वृत्ताकार, और डी नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो खोखला जो सिलेंडर होता है, सॉकेट का आकार, सॉरी, सॉकेट का आकार जो होता है किसके समान होता है? सॉकेट का आकार होता है वह खोखला सिलेंडर के समान होता है, ए नंबर। माफ करिएगा, मैंने उल्टा पढ़ लिया। क्वेश्चन है, सॉकेट का आकार किसके समान होता है? तो आंसर नंबर क्या आ जाएगा? खोखला सिलेंडर। अगला क्वेश्चन क्या है, प्लायर का प्रयोग किया जाता है? प्लायर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन है छोटे मोटे नट खोलने में, और बी नंबर है छोटे मोटे नट कसने में, तीसरा है तारों को मोड़ने में, और चौथा है उपरोक्त में सभी। तो जो प्लायर होता है, मतलब प्लास, प्लास का प्रयोग किस लिए किया जाता है? छोटे मोटे नट खोलने में, छोटे मोटे नट कसने में, तारों को मोड़ने में, सभी कार्यों में प्लास का उपयोग किया जाता है। प्लायर मतलब प्लास होता है। तो आंसर नंबर क्या आ जाएगा इसका? डी आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, फिसलने वाली चीज़ों को सुगमता से पकड़ने में मुख्यतः किस प्लायर का प्रयोग किया जाता है? तो कॉम्बिनेशन प्लायर पहला है, दूसरा है मल्टी ग्रिप प्लायर, तीसरा है लॉन्ग नोज प्लायर, और चौथा है फ्लैट नोज प्लायर। तो फ्लैट नोज प्लायर का उपयोग किया जाता है, जो भी धातु होती है, जो भी चीज़ होती है, अगर फिसलती है तो उसको पकड़ने के लिए किस प्रकार का प्लायर प्रयोग किया जाता है? फ्लैट नोज प्लायर प्रयोग किया जाता है, नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, हथौड़े में इसमें प्रयुक्त हत्थे की लंबाई समानता कितनी होती है? हथौड़े में प्रयुक्त जो हत्थे की लंबाई होती है वह 25 से 35 सेंटीमीटर होती है, नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, हथौड़ा किस प्रकार का औजार है? हथौड़ा एक प्रकार का चोट मारने वाला औजार होता है, क्योंकि हैमर से हम पीटते हैं किसी धातु को। तो डी नंबर आ जाएगा इसका आंसर। तो हथौड़े किस प्रकार के बने होते हैं? हथौड़े बने होते हैं प्लेन कार्बन स्टील के बने होते हैं, नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, कठोर पदार्थ के लिए चीजल का कटिंग कोण कितना होता है? कठोर पदार्थ के लिए चीजल का कटिंग एंगल होता है 70 से 75 डिग्री, ए नंबर। कठोर पदार्थ के लिए चीजल का कटिंग कोण कितना होता है? 70 से 75 डिग्री होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्टील रोल के लिए द्वारा मापित न्यूनतम माप कितना होता है? यहाँ पे इंच में पूछा गया है, इंच में स्टील रूल के द्वारा मापित न्यूनतम माप कितना होता है? 1/64 होता है। अगर हम एमएम में पूछे तो 0.5, 0.5 mm होता है स्टील रूल के द्वारा न्यूनतम माप, ठीक है। अगर यहाँ पे इंच में पूछा गया है तो 1/64 इंच। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? माइक्रोमीटर जो से कार्य करता है स्क्रू और पेंच के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है, स्क्रू और पेंच के सिद्धांत पर। तो आंसर नंबर सी। माइक्रोमीटर का अल्पतमांक कितना होता है? माइक्रोमीटर का अल्पतमांक को यहाँ पर लिखा है, पहला ऑप्शन 0.001 mm, 0.,, फिर बी नंबर 0.01 mm, तीसरा है 1.00 mm, चौथा है 1.10 mm। तो इसका राइट आंसर क्या निकल के आएगा? बी नंबर, 0.01 mm। अगला क्वेश्चन क्या है, वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक क्या होता है? वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक होता है 0.02 mm, बी नंबर, 0.022। अगला क्वेश्चन है, गेजों का प्रयोग किया जाता है? गेजों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? जॉब बनाने में किया जाता है, बेंच कार्यों में किया जाता है, बहुत उत्पादन में किया जाता है। तो जो गेज होते हैं उसका प्रयोग मल्ट है बहुत उत्पादन में किया जाता है, सी नंबर। क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा अगर प्रोडक्शन करेंगे तो उसको हम चेक करने के लिए गेज का प्रयोग करते हैं। अगर वो सही हैं तो मल्टी, जहाँ मल्टी प्रोडक्शन होता है, मास प्रोडक्शन होता है, वहाँ पर हम गेज के द्वारा प्रोडक्टों की एक्यूरेसी को चेक करते हैं, तो वहाँ पर हम गेज का प्रयोग करेंगे। अलग अलग क्वेश्चन क्या, सेंटर गेज का प्रयोग होता है? सेंटर गेज का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका आंसर क्या है, थ्रेडिंग टूल का कोण मापने के लिए किया जाता है। सेंटर गेज का प्रयोग किस लिए किया जाता है? सेंटर गेज का प्रयोग थ्रेडिंग टूल का कोण मापने के लिए किया जाता है, सी नंबर।
अगला क्वेश्चन है सीट की मोटाई मापी जाती है, सीट की मोटाई किसके द्वारा मापी जाती है? पहला ऑप्शन है फीलर गेज के द्वारा, दूसरा है कैलिपर गेज के द्वारा, तीसरा है वायर गेज के द्वारा, चौथा है टेपर गेज के द्वारा। जो सीट की मोटाई मापी जाती है किसकी? वायर गेज के द्वारा सीट की मोटाई मापी जाती है। तो आंसर नंबर सी, सीट की मोटाई वायर गेज के द्वारा मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है टेपर गेज का प्रयोग किस लिए किया जाता है? टेपर गेज का प्रयोग किया जाता है तिरछे सुराख मापने के लिए। जो तिरछे होल होते हैं, सुराख मतलब होल होता है, तिरछे होल होते हैं उसको मापने के लिए हम टेपर गेज का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जो टेपर गेज यहाँ पर है, ये टेपर होता कैसे है इस तरीके से, जनरली टेपर होता है अगर सामने वाली भाग 9 है तो पीछे वाली भाग कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। तो मतलब टेपर कितने का है? 1:1 यहाँ पर कितना है, यहाँ पर घट के ये पहले 9 थी और यहाँ पर 10 ही, तो टेपर कितने में हो गया? 1 का टेपर हुआ यहाँ पर। ये कोई भी चीज़ ऐसे आ रही है, ठीक है, इस तरह जा रही है, टेपर कितना हुआ ये, मतलब यहाँ पर 9 था तो यहाँ पर 10 हुआ। अगला क्वेश्चन क्या है? थ्रेड प्लग गेज मापता है, थ्रेड प्लग गेज क्या मापता है? इसके पहले का आंसर क्या निकल के आएगा? इसके पहले का आएगा तिरछे होल मापने के लिए, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है थ्रेड प्लग गेज के मापता है, थ्रेड प्लग गेज क्या मापता है? आंतरिक चूड़ी को। थ्रेड प्लग गेज होता है वह इंटरनल थ्रेड को मापता है, इंटरनल थ्रेड को मेजर करता है थ्रेड प्लग गेज, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है डायल गेज इंडिकेटर का अल्पतमांक कितना होता है? डायल गेज इंडिकेटर का अल्पतमांक होता है 0.01 mm, ए नंबर। रे ये लिस्ट काउंट आप लोग याद रखिएगा, कोई ना कोई लिस्ट काउंट जरूर पेपर में आपसे लोगों से पूछा जाएगा। डायल गेज का इंडिकेटर का अल्पतमांक कितना होता है? 0.01 mm होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? बीरिंग में स्नेहक तेल जाने के लिए गैप बनाए जाते हैं, बीरिंग गैप जांचने के लिए उपयोग किए जाने वाले गेज का नाम बताइए। ठीक है, बीरिंग में जो और तेल और जो लुब्रिकेशन के लिए गैप बनाए जाते हैं, तेल गैप बनाए जाते हैं, तेल गैप जांचने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? तो प्लास्टिक गेज का प्रयोग किया जाता है, नंबर एक। ठीक है, प्लास्टिक गेज होता है उसका प्रयोग किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायल बोर गेज में अंकन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों दिशाओं में होता है, यह निम्न मापन में प्रयुक्त होता है? डेविएशन के लिए प्रयुक्त होता है, डी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या है? एक मीट्रिक माइक्रोमीटर में एक थिम्बल स्केल का मान निम्न होता है, मीट्रिक माइक्रोमीटर में एक थिम्बल का मान कितना होता है? 0.01 mm होता है, डी नंबर। माइक्रोमीटर में एक थिम्बल स्केल का मान कितना होता है? 0.1 mm होता है, डी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या है? माइक्रोमीटर में अंशांकन किया जाता है, पहला ऑप्शन है केवल थिम्बल पर, दूसरा ऑप्शन है केवल स्लीव पर, तीसरा ऑप्शन है स्लीव व थिम्बल दोनों पर, और चौथा ऑप्शन है अंशांकन नहीं होता है। तो इसका आंसर नंबर क्या आ जाएगा? स्लीव व थिम्बल दोनों पर माइक्रोमीटर में अंशांकन मतलब रीडिंग ली जाती है, स्लीव और थिम्बल दोनों पर रीडिंग ली जाती है। तो आंसर नंबर क्या आ जाएगा? 94 का सी आ जाएगा, ठीक है, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है 95, इनसाइड माइक्रोमीटर का अल्पतमांक क्या होता है? इनसाइड माइक्रोमीटर का अल्पतमांक होता है 0.01 mm, ए नंबर। 1 माइक्रोन का मान किनके बराबर होता है? 1 माइक्रोन का जो मान होता है किसके बराबर होता है? 0.001 mm के बराबर होता है, 1 माइक्रोन बराबर, ए। अगला क्वेश्चन है माइक्रोमीटर का फ्रेम किस धातु का बना होता है? माइक्रोमीटर का जो फ्रेम होता है किस धातु का बना होता है? इनवर स्टील का बना होता है, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है फिलर गेज किस काम में लेते हैं? फिलर गेज का उपयोग होता है किस काम में आता है? तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर दो मैचिंग अवयवों के अंतराल को जांचने हैं, तो दूसरा है सतह की त्रिज्या मापने हो, तो तीसरा है गहराई मापने के लिए। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर पहला नंबर है दो मैचिंग कंपोनेंट के अंतराल को जांचने के लिए फिलर गेज का प्रयोग किया जाता है, उनके बीच का जो गैप होता है उसको मेजर करने के लिए फिलर गेज का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या नंबर आ जाएगा? ए आ जाएगा।
अगला क्या है, फिलर गैस में काम आने वाली पत्तियां किस पदार्थ की बनी हुई होती हैं? फिलर गैस में जो पत्तियां होती हैं वो किस धातु की बनी होती हैं? स्टेनलेस स्टील की बनी हुई होती हैं, पतली पत्ती होती है, और पत्ती इस पत्ती के द्वारा हम दो पार्टों के बीच को गैप को मेजर करते हैं। तो आंसर नंबर क्या आ जाएगा इसका, ए आ जाएगा। चूड़ी गैस को किस काम में लेते हैं? चूड़ी गैस का प्रयोग किस लिए किया जाता है? चूड़ी के पिच को मापने के लिए। चूड़ी गैस का प्रयोग चूड़ी के पिच को मापने के लिए किया जाता है, नंबर डी 100 का डी। अगला क्वेश्चन है, वर्नियर कैलिपर को किस काम में लेते हैं? वर्नियर कैलिपर को लंबाई मापने के लिए, व्यास मापने के लिए, कोण मापने के लिए, ए वर्ड भी दोनों के लिए बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या है, डी नंबर है, लंबाई में मेजर करता है और व्यास में मेजर करता है। लंबाई कैसे मेजर करता है? जो वर्नियर कैलिपर होता है उसकी जो स्ट्रिप होती है बाहर की ओर निकली वो होती पत्ती, उससे लंबाई या गहराई मेजर करता है, और व्यास तो मेजर करता है जबड़ों की सहायता से। तो आंसर नंबर क्या आएगा, बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, वर्नियर कैलिपर के सभी अवयव किस पदार्थ के बने होते हैं? वर्नियर कैलिपर के सभी अवयव किस पदार्थ के बने होते हैं ये पूछा है। तो पहला ऑप्शन है स्टेनलेस स्टील के, दूसरा उच्च कार्बन स्टील के, तीसरा है मध्यम कार्बन स्टील के, चौथा है निम्न कार्बन स्टील के। इसका राइट आंसर है ए नंबर, स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, डायल इंडिकेटर का प्रयोग किया जाता है? डायल इंडिकेटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन है सतह समानांतरा जांचने के लिए, समानता सतह की समानता जांचने हेतु। तो दूसरा है सतह की सपाटता जांचने के लिए। तीसरा ऑप्शन है रॉड की संकेंद्रता जांचने हेतु। चौथा है उपरोक्त सभी। तो डायल इंडिकेटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है ये पूछा है। तो इसका आंसर नंबर है डी नंबर, सभी, सतह की समांतरता जांचने हैं, तो दूसरा सतह की सपाटता जांचने हो, तीसरा ऑप्शन रॉड की संकेंद्रता जांचने हो, तो सभी के लिए डायल इंडिकेटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आउटसाइड माइक्रोमीटर का आकार किस के समान होता है? आउटसाइड माइक्रोमीटर का आकार होता है किसके समान होता है तो ये पूछा है। तो कैसा होता है, यू आकार का पहला, दूसरा वी आकार का, तीसरा जेड आकार का, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आउटसाइड जो माइक्रोमीटर है होता है उसका आकार यू की तरह होता है। तो आंसर नंबर क्या आएगा, यू के समान होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, आउटसाइड माइक्रोमीटर का भाग है, आउटसाइड माइक्रोमीटर का भाग कौन सा है ये पूछा है। तो फ्रेम, एनविल, स्लीव, ये सभी आउटसाइड माइक्रोमीटर के पार्ट होते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी नंबर, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है 106 नंबर, वर्नियर कैलिपर का आविष्कार कब हुआ था? वर्नियर कैलिपर का आविष्कार पूछा गया है 106 नंबर में। तो इसका आंसर क्या है पहले बताइए। ऑप्शन है 1630, दूसरा है 1710 ईसा पूर्व, तीसरा है 1730 ईसा पूर्व, चौथा है 1650 ईसा पूर्व। इसका राइट आंसर है 1630 ईसा पूर्व, ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, वर्नियर कैलिपर की रेंज क्या होती है? वर्नियर कैलिपर की रेंज पूछा है क्या होती है। तो पहला ऑप्शन है 150 mm से 300 mm, दूसरा है 100 mm से 200 mm, तीसरा है 100 mm से 150 mm, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है, पहला नंबर 150 mm से 300 mm वर्नियर कैलिपर की रेंज होती है। इधर दिख नहीं रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, वर्नियर कैलिपर का भाग क्या है? वर्नियर कैलिपर का भाग कौन कौन सा ये पूछा है। तो इसका पहला ऑप्शन है फिक्स जा, दूसरा है मेन स्केल, तीसरा है वर्नियर स्केल, उपरोक्त सभी। ये सभी वर्नियर कैलिपर के भाग होते हैं, एक फिक्स जा होता है, एक मेन स्केल होती है, एक वर्नियर स्केल होती है। तो इसका आंसर क्या है, डी नंबर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, टेलीस्कोपिक गेज का आकार किसके समान होता है? टेलीस्कोपिक गेज का आकार होता है टी के समान पहला, दूसरा यू के समान, तीसरा वी के समान, चौथा एल के समान। टेलीस्कोपिक गेज का आकार होता है वो टी के समान होता है, आंसर नंबर एक ऑप्शन। निर्वात मापन के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? निर्वात मापन के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है ये पूछा है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर है वैक्यूम गेज। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो मैं अब आने वाले क्वेश्चनों को अगली वीडियो में करूँगा। तो मैं डीजल मैकेनिक की जो सीरीज़ है उसको कंप्लीट होने के लिए मैं जब ज़्यादा समय नहीं लूँगा, जल्दी से जल्द तो आप लोगों को डीजल मैकेनिक की जो क्वेश्चन पूरे हैं 1500, तो उसको मैं जल्द से अपलोड कर दूँगा, जिससे आप लोग का एग्ज़ाम होने से पहले आप लोग प्ले लिस्ट को पूरा देख लें। तो
आप लोगों से निवेदन है कि आप लोगों को कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लगा। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। तो आप लोगों से एक निवेदन और है कि आप लोग मेरे चैनल पर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और फेसबुक पेज का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं और वहाँ से स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो मिलते हैं अगली वीडियो पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।